लग रहा है वापस अपने हॉस्टल दोस्त को देख के yes. एंड हो गया, बहुत अच्छी जर्नी एंड हुई है yes. क्या कुछ याद है, क्या कुछ है, कैसा फीलिंग है? अरे बहुत कुछ याद है, सब कुछ याद है एक्चुअली. ऐसे नहीं कि हम लोग ने 4 साल पहले शूट किया, अभी कुछ महीने तो हो चुके हैं. तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इतने सारे राज को अपने दिल में रखना इतने महीनों तक, यू नो, बिकॉज मैं जहाँ भी जाता था, यू नो, वीक आफ्टर वीक जितने भी मेरे फैंस है या शो के फैंस है, सब आके मुझसे पूछते हैं कि सर बताना, सर कौन जीतेगा, सर अगले हफ्ते कौन इवेक्ट होगा, सर इस डूम सेशन में क्या होगा. एंड यार ऑफ कोर्स हम लोग नहीं बता सकते, राइट, एंड बताना भी नहीं चाहिए, लोग तो शो देखेंगे नहीं. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है. ऐसा रिस्पॉन्स, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा होगा ना. जब हम शूट करते ऑफ कोर्स मज़ा बहुत आया, बट मुझे लगा कि ठीक है यार, काम खत्म करो आगे बढ़ो, बट द वे इट हैज गॉट ऑन द क्रेज बहुत सरियल सा फीलिंग है. हाय तनुज सर, व्हेन वी आर गेटिंग द गुड न्यूज ऑफ यू बिकमिंग द फादर, हाउ डू यू फील एंड व्हाट्स द एक्साइटमेंट लेवल? फर्स्टली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग द गुड न्यूज वेरी सून, टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर. इट्स अमेजिंग, इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग. एंड क्योंकि तानिया और मैंने ये प्लान किया था, व्हाट वी बोथ इंटेंडेड, so it was not a surprise or a shock, like this is, it was like something we consider a great blessing and we are just really excited. And everybody ghar pe jitne bhi log hai, mere mummy papa ghar pe jitne bhi log kaam karte hai, everybody is very very excited. We are renovating our house currently, getting ready for the baby, and yeah, like it's like there are days when I wake up and main apne aap ko pinch karta hu, I'm like yaar abhi to meri shaadi hui, honeymoon pe gaya and now bachcha bhi aa raha hai, so it suddenly seems like everything is happening very fast, but no complaints at all. Tanuj, in your next series, you are going to play a cop. So, how excited are you? I'm very excited. I also consider it a great honor because I've never played a police inspector in many of my shows. You know, especially the khaki wardi kind of police inspector. Or, you know, जब मैं अपने डायरेक्टर के साथ ये प्लान कर रहा था, मैंने उनसे यही कहा कि यार मैं नकली मूंछ तो नहीं बनूंगा, या तो मैं क्लीन शेव रहूंगा, या नहीं सर आप मुस्टैच में अच्छे लोग हुए. तो वी ग्रू ऑन स्पेशली फॉर द शो. एंड आई थिंक यू नो, जब आप के सर जैसे अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करते हो, जाकिर हुसैन के साथ काम करते हो, जिस अमेजिंग टैलेंट ऑन दैट शो, यू नो, ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू एलिवेट योर गेम. एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं श्रवण सर, उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने उनके साथ कमाटीपुरा में भी काम किया है, एट द शो आई डन विद मीरा चोपड़ा, क्योंकि वो कभी सेट पे शूट करते नहीं है, वो किसी भी रियल लाइफ लोकेशन पे, लाइव लोकेशन पे शूट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट ना, आपको सच में लगता है कि जैसे इस बार हमने पूरा मुंबई में शूट किया, साउथ मुंबई में ज़्यादा शूट किया, यू एक्चुअली फील कि लाइक मुंबई भी इस शो में एक कैरेक्टर है. एंड इट्स अमेजिंग, वेरी एक्साइटेड. एंड यार 30th August इज कमिंग, तो प्लीज देखना जरूर. सर तानिया मैम नहीं आई, कपिल आप दोनों का हिट है, क्यों नहीं आई? अगर वो आती तो स्पॉटिंग और अच्छा लगता. आई नो बट तानिया नीड्स टू रेस्ट यार, बिकॉज अभी वो अपने 8वें मंथ में है, तो हमने बाहर जाना थोड़ा कम कर दिया है. एंड क्योंकि मैं स्कूल पे हूँ अभी, जहाँ पे हम ये सब इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग टाउन में रहते हैं, तो इट वुड बी टू लॉन्ग अ ड्राइव, वो थोड़ा अनईजी सा फील करते हैं, बट डेफिनेटली यू विल बी सीइंग हर वेरी वेरी सून. सो या शी आल्सो रियली लव्स कमिंग आउट और आप सबके साथ इंटरेक्ट करना. और अभी अभी धीरे धीरे वो समझने लगी है कि ठीक है, यू नो, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, जब भी आप रेड कार्पेट पे हो तो फोटोज और वीडियोज कैसे देने हैं. सो शी इज ऑल्सो लर्निंग स्लोली स्लोली, यू नो, इट्स वेरी डिफरेंट वर्क, क्योंकि वो सिंगापुर की है, तो वहाँ पे तो आए ये सब तो होता नहीं है, वो जो धमाल हमारे देश में हमारे शहर में, इट्स नॉट लाइक दैट ओवर देयर. बट विल यू सी अस वन वाज फिट से लकी, लाइक हम पहले के इंटरव्यू सबने बहुत पूछे कि कौन के आपके पसंद है, आपने बताया नहीं क्योंकि शो चल रहा था उस टाइम, बट फाइनल खत्म हो चुका था. अब बताइए क्या सबसे बेस्ट गेम किसका लगा, क्या आप चाहते थे सच में कौन जीते? सी यार, एज अ होस्ट, यू नो, मैं अभी थोड़ा डिप्लोमेटिक ही आंसर दूंगा, बिकॉज ऐसे नहीं कि सनी और मैंने कभी डिस्कस किया कि यार हम चाहते हैं कि ये जीते या ये हारे या ऐसा कुछ. ऑफकोर्स कोई कोई ऐसे कंटेस्टेंट्स थे पहले दिन से, जैसे कि हर्ष, खुशाली, शिविर, काशिश, फिर जब दिग्विजय आया, दीज आर सम ऑफ द गाइस कि मुझे लगा कि हाँ उनमें वो पोटेंशियल है, दैट दे कैन गो ऑल द वे. अरबाज डेफिनेटली, यू नो, वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, सो मुझे लगा कि ये लोग आगे बढ़ सकते हैं. समवन लाइक सचिन, सो आई फेल्ट कि ये लोग आगे बढ़ सकते हैं. बट फाइनली क्या है कि आपको सही पार्टनर भी चुनना है, बिकॉज अकेले तो आप ये शो नहीं जीत सकते, सिंपल सी बात है. एंड सेकेंडली आप फिजिकल चैलेंजेस में कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं. आई फील अ कंटेस्टेंट लाइक शिविर फॉर एग्जाम्पल, वो अगर कहीं ना कहीं चुप गया तो आई थिंक दैट वॉज इन दिस थिंग, यार वो हमेशा चैलेंजेस में परफॉर्म नहीं कर पाता था. सो आई फील एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही वॉज नॉट एबल टू गो ऑल द वे.
सेमीफाइनल फिनाले में भी दिग्विजय ने फाइनली उसको हराया जबकि लीड में पहले वो थे राइट आई मीन आई थिंक ही वाज लीडिंग 1-0 दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट क्या जैसे कि मैंने कई सारे अभी 30 कंटेस्टेंट्स में मैंने 7-8 नाम लिया आई थिंक दीज वर द वंस आई थॉट हैव मोस्ट पोटेंशियल तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लवली हैविंग यू हियर थैंक यू सो मच आपने मैसेज को क्या पहचान सकते हैं लास्ट में वेल पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइज यार यू नो हर बार जब मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो जब मैं फिल्मों से वेब सीरीज में आया इनसाइड एज के दौरान यू गाइज रियली सपोर्टेड मी अब मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ उसमें भी आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आज अपनी करियर में अपनी लाइफ में जितने भी मौके मिल रहे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे वो आप लोग के प्यार की वजह से मिल रहे सो प्लीज कीप द लव कमिंग एंड मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करूंगा दैट आई विल गिव इट माय बेस्ट एंड होपफुली एंटरटेन यू गाइस फॉर मेनी मेनी इयर्स टू कम थैंक यू सो मच